तीन स्पाइडरमैन, पांच सुपर विलन और एक वेनम के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम हम फैंस के लिए एक मेमोरेबल मूवी बन चुकी है, जिसे शायद हम में से बहुत से फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। पर इसी मूवी के साथ ही एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन फिल्म्स की ट्रिलॉजी भी एंड हो चुकी है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी ट्रिलॉजी के एंड होने के साथ ही मार्वल और सोनी ने एक और स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन इस नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते, ना ही हम इसमें दिखने वाले विलन्स के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही हमें अभी तक इसके स्टोरी आर्क्स के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन की अपकमिंग ट्रिलॉजी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि इन अपकमिंग मूवीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन के कौन से विलन्स दिखाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब एमसीयू के अंदर एक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी एंड हो चुकी है, जिसके अंदर सबसे पहली मूवी थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और आखिर में स्पाइडरमैन नो वे होम। लेकिन अब इस ट्रिलॉजी के बाद एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म्स की दूसरी ट्रिलॉजी स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ स्पाइडरमैन की लाइफ के नए चैप्टर्स दिखेंगे बल्कि उसके साथ ही हमें स्पाइडरमैन के कुछ नए विलन्स को भी शो किया जाएगा। और इन्हीं में से जो विलन हमें सबसे पहले दिखने जा रहा है वो है वेनम। स्पाइडरमैन 4 के अंदर वेनम के होने का हिंट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से मिला था। स्पाइडरमैन नो वे होम की एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल को प्रॉपर्ली कास्ट कर लेते हैं तब उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्सेस से आए सभी कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक और उसका वेनम सिम्बियोट भी खुद के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी वेनम का एक छोटा सा पार्ट वही एमसीयू के यूनिवर्स में रह जाता है, जो कि इस बात को क्लियर करता है कि अब हमें एमसीयू के अंदर भी वेनम सिम्बियोट दिखने वाला है। इसीलिए स्पाइडरमैन 4 के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो वेनम सिम्बियोट का छोटा सा पार्ट जाकर स्पाइडरमैन से एक ब्लैक सूट बनकर बॉन्ड हो जाएगा और स्पाइडरमैन को कुछ कमाल की सिम्बियोटिक पावर्स देगा। लेकिन उसके साथ ही वो स्पाइडरमैन को करप्ट भी करने लगेगा, जिस वजह से स्पाइडरमैन कई सारे गलत काम भी करेगा। और जब स्पाइडी को इस बारे में पता लगेगा कि उसके इस नए ब्लैक सूट की वजह से वो करप्ट होता जा रहा है, तब वो अपने सूट के बारे में जानने की कोशिश करेगा और फिर उसे ये पता लगेगा कि उसका ये ब्लैक सूट असल में एक जिंदा लिविंग क्रीचर है जो कि उसकी बॉडी से बॉन्ड होकर सर्वाइव कर रहा है, जिसके बाद वो उस ब्लैक सूट को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देगा। लेकिन जैसे ही स्पाइडी वेनम को खुद से अलग करेगा, वैसे ही वेनम सिम्बियोट अपने लिए एक नए होस्ट को ढूंढ लेगा, जिसके बाद अपने नए होस्ट से बॉन्ड बनाकर वेनम उसे पूरी तरह से ईविल बना देगा और इसके बाद हमें एक प्रॉपर स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अब अगर सब कुछ ठीक रहता है और हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम का क्रॉसओवर दिखता है, तो हम स्पाइडरमैन 5 के अंदर स्पाइडरमैन वर्सेस किंगपिन का क्रॉसओवर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किंगपिन को हमने आखिरी बार हॉकाई सीरीज के अंदर देखा था, जहां एको ने उसके सर पर गोली मारकर उसे मार दिया था और हम सभी को ऐसा दिखाया गया था कि किंगपिन मारा जा चुका है। लेकिन असल में पूरा सीन कॉमिक से लिया गया है, जहां ऐसे ही एको किंगपिन को गोली मारकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस हमले के दौरान किंगपिन की सिर्फ दोनों आंखें डैमेज होती है और किंगपिन खुद उस हमले से सर्वाइव कर जाता है और बाद में आगे चलकर वो अपनी आंखों को भी ठीक करवा लेता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एमसीयू के अंदर किंगपिन अभी भी जिंदा है और वो जल्दी ही फिर से सामने आने वाला है। और बात करें स्पाइडरमैन 5 की, तो उस मूवी के अंदर सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि किंगपिन अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को फिर से अंजाम देने की कोशिश करेगा, जिसके बाद इस बार उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन सामने आएगा। साथ ही यहीं पर हमें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप भी दिख सकता है। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मैड मुडोक को दिखाकर मार्वल पहले ही इस बात का हिंट हम फैंस को दे चुका है कि अब आने वाली मूवीज और सीरीज के अंदर हमें डेयरडेविल भी प्रॉपर एक्शन में दिखने वाला है। और क्योंकि किंगपिन की दुश्मनी डेयरडेविल और स्पाइडरमैन दोनों से है, इसीलिए उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन और डेयरडेविल एक साथ टीम अप करके भी सामने नजर आ सकते हैं। स्पाइडरमैन 5 के अंदर किंगपिन के नजर आने के चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन किंगपिन के अलावा एक और ऐसा विलन है जो कि हमें इस मूवी के अंदर देख सकता है और वो है मिस्टर नेगेटिव। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मैड मुडोक के दिखने के साथ ही हम फैंस को फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी दिखी थी, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि आंट में इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और मूवी के अंदर कई और जगह पर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के ईस्टर एग्स भी दिखे थे। फीस्ट यानी कि फूड इमरजेंसी एड शेल्टर एंड ट्रेनिंग मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक चैरिटी ग्रुप है जिसे लीड करता है मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव। लेकिन मिस्टर नेगेटिव असल में क्राइम लॉर्ड है जो कि फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में अपने काले कारनामे करता है। इसीलिए जितने ज्यादा चांसेस किंगपिन के अपीयर होने के हैं, उतने ही चांसेस मिस्टर नेगेटिव के अपीयर होने के भी हैं। अब स्पाइडरमैन 4 और स्पाइडरमैन 5 के बाद बात करें स्पाइडरमैन 6 की, तो उस मूवी के अंदर भी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह ही एक बहुत बड़ा इवेंट दिखाया जा सकता है। और क्योंकि वो मूवी इस ट्रिलॉजी की फाइनल फिल्म होगी, इसीलिए उसके अंदर हमें एक प्रॉपर स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 भी दिखाई जा सकती है। और उस सिनिस्टर 6 के अंदर स्पाइडरमैन के 6 सुपर विलन्स होंगे जो कि एक साथ मिलकर स्पाइडरमैन से फाइट करेंगे। और बात करें इस सिनिस्टर 6 के मेंबर्स की, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में दिखाया गया वेनम और स्पाइडरमैन 5 में दिखाया गया मिस्टर नेगेटिव या फिर किंगपिन, ये दोनों ही स्पाइडरमैन से फाइट
करके जिंदा बच जाएं और फिर ये दोनों स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए इस सिनिस्टर सिक्स की टीम को ज्वाइन करें, जिसके बाद वेनम, किंगपिन या मिस्टर नेगेटिव और स्पाइडरमैन के बाकी के चार सुपर विलन सभी मिलकर स्पाइडरमैन से फाइट करें। और अगर ये सब पॉसिबल होता है तो हम फैंस को एक और कमाल की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी देखने को मिल सकती है। इस पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस काफी हाई है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि हमें स्पाइडरमैन 4 या फिर स्पाइडरमैन 5 के अंदर देख सकती है। अभी कुछ वक्त पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ डिलीटेड सीन सामने आए थे, जिनमें से एक डिलीटेड सीन के अंदर एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन और टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन जब अपने अपने यूनिवर्स में वापस जा रहे होते हैं, तभी एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम जानते हो कि हमें कहां ढूंढना है। ये सीन पहले मूवी के अंदर ही था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आगे चलकर इस सीन को कट कर दिया गया। इस सीन को कट करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि सोनी और मार्वल ये नहीं चाहते कि फैंस अभी से स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में कुछ भी जाने, क्योंकि अगर फैंस पहले से ही किसी कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में जान जाते हैं तो स्टूडियो के लिए फैंस के बीच हाइप क्रिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। पर अगर फिर से डिलीटेड सीन की बात करें तो इस डिलीटेड सीन से एक चीज तो फाइनल हो जाती है कि एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन और टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन हमें आखिरी बार नहीं दिखे हैं, बल्कि ये हम फैंस को आगे की मूवीज में भी दिखने वाले हैं। और अगर आप एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन की कही हुई बात पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोनी और मार्वल दोनों ही मिलकर अब टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उनके प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि आने वाली मूवीज में टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करके बाकी के दोनों स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जाए और वहां से उन्हें अपनी हेल्प के लिए फिर से अपने यूनिवर्स में लेकर आए। और अगर ऐसा होता है तो हमें इन तीनों ही स्पाइडरमैन का टीम अप एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये थी वीडियो आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज की पॉसिबिलिटीज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।